और अब देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूंगा, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैंने आर लिख दिया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखो एक तरह से आर का फंक्शन होगा, आर अगर ज़्यादा होगा तो फील्ड पे भी उसका फर्क पड़ेगा, फील्ड कम हो जाएगा, आर कम होगा तो फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा है कि आर का फंक्शन है इक्वल टू एफ, फोर्स भी आर का फंक्शन होगा एक तरह से, डिवाइडेड बाय क्यू नोट, इस तरह से मैं लिखूँ यहाँ पे। और फिर मैं कई बार देखो आपको मिलेगा कई बुक्स में इस तरह से लिखा मिलेगा कि यहीं पर लिख देगा वो कि लिमिट क्यू नोट अप्रोचेस टू जीरो, कई बार आपको कई बुक में इस तरह से लिखा मिलेगा कि ऐसे फॉर्मूला लिख देगा और यहाँ पर लिख देगा पहले क्यू नोट के लिए, पहले कमेंट लिखेगा कि वो जो क्यू नोट है वो लिमिट क्यू नोट अप्रोचेस टू जीरो, क्यू नोट जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब उसका रीजन क्या है, ये जो क्यू नोट है ये जीरो को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि अगर क्यू नोट जीरो के जीरो का अप्रोच नहीं करेगा, मान लीजिए क्यू नोट की एक अच्छी खासी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो ये जो चार्ज होगा ये इसका खुद का भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो आपको वैल्यू, इसकी वजह से जो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए थी उतना वैल्यू ना मिलके उसे थोड़ी सी रिड्यूस्ड वैल्यू मिलती है, थोड़ी सी कम वैल्यू मिलती है, तो यानी कि आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये जो टेस्ट चार्ज है ये जीरो का अप्रोच करे, ये मिनिमम हो। ओके, तो ये इसमें जो है रीजन है। आगे देखिए इसमें, तो नेक्स्ट इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने ये फॉर्मूला देख लिया है, तो नॉर्मली यहां पर देखो क्या होगा कि जैसे जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, ये फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सिंपल, अगर मैं एक बार इसको लिख देता हूँ सिंपली ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो अगर आपको फोर्स के लिए लिखना हो तो एफ इक्वल टू क्यू नोट ई। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आती है यहाँ पे हमारे पास कि अगर आपने कहीं पर फोर्स निकालना है किसी पॉइंट पर और उस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वहाँ पर आप फोर्स बड़े ही आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी कैन Easily find the value of electric force at any point P, कोई भी पॉइंट हो सकता है, P जरूरी नहीं है सिर्फ P, एट एनी पॉइंट P इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पर मेरे को, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, अगर मेरे को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है तो उस पॉइंट पर कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसके ऊपर मैं बड़े ही आराम से इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। और यही जो है, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक तरह से अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस देखा जाए तो वो यही है कि अगर किसी पॉइंट पर आपको फील्ड की वैल्यू पता है तो आप बड़े आराम से उस पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल अगर कोई भी होगा तो उसके ऊपर आप फोर्स इस तरह से फाइंड कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं जो रिलेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है क्यू नोट, इफ क्यू नोट इज पॉजिटिव, अगर क्यू नोट पॉजिटिव है तब तो क्या होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन है और फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर क्यू नोट पॉजिटिव है देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सिमिलर, सिमिलर या सेम टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ऐसा होगा। दूसरा केस हो सकता है इफ क्यू नोट नेगेटिव, अगर क्यू नोट नेगेटिव हो तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये रिलेशन आप लिखोगे एफ माइनस क्यू नोट ई, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है। बीच में अगर नेगेटिव साइन आ गया तो नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये क्यू नोट अगर पॉजिटिव है और यहाँ पर जो सोर्स चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो फोर्स लगेगा इधर, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। और फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होती है, फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे एक टॉपिक हमारा आएगा, वहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड हर डायरेक्शन में जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये सेम है। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होती। देखो मैं दोबारा से एक बार इसको ड्रॉ करूँगा। जैसे ये एक्स, ये वाई, और यहाँ पर ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पर मान लीजिए जो चार्ज है वो है आपका प्लस क्यू, और यहाँ पर है पॉइंट पी जहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज लिख दिया क्यू नोट है और नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है। तो अभी देखो ये पॉजिटिव वेक्टर हो गया इसका आर नोट हमने लिख दिया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या करेगा, सोर्स चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा इसे, इसके ऊपर फोर्स तो लगा इस तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका अवे ही होगा, इधर होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है तो आपने वेक्टर पढ़े होंगे कि जैसे हम पढ़ते हैं कि बिल्कुल अपोजिट वेक्टर के लिए देखो बीच में एक नेगेटिव साइन हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अगर ये क्यू नोट नेगेटिव हो तो हम क्या लिखेंगे, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिस्कस किया। अब जैसे मैंने ये रिलेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है, अब इसके बेस पे हम कई बार बहुत सारे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पॉइंट मैंने दे दिया आपको, ये पॉइंट पी है, ये मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आपको मैंने क्या किया, एक पॉइंट दिया है और इस पॉइंट पी पे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपको दे रखी है 4×10⁴ और फील्ड की यूनिट आपको पता ही, अभी मैंने बताई थी न्यूटन पर कूलम्ब। और जैसा देखो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखा, ये सिंबल लिखा मैंने और इसके ऊपर एक एरो मैंने प्लेस कर दिया है। तो इससे क्या होगा, ई के ऊपर देखो इस तरह से मैंने एरो प्लेस किया है। तो इस एरो का मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, 4×10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। अब डायरेक्शन भी इसके आपको बताने पर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो आपको बतानी पड़ेगी। तो कोई भी मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट, मैंने ईस्ट डायरेक्शन में ये जो है फील्ड अप्लाई हो रहा है। और फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो पॉइंट पी है वहाँ पर मैंने क्या किया, वहाँ पर मैंने एक पार्टिकल लेके आया, मैं पार्टिकल मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन ले आया, ओके। यहाँ पर पी पॉइंट पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज होने इलेक्ट्रॉन कितना होता है, −1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब, इतना होता है, नेगेटिव होता है। तो ये चार्ज आप इलेक्ट्रॉन लेके आए पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर ऑलरेडी हमको फील्ड पता था और हमने वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो उसके ऊपर अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स बताइए तो आप क्या करोगे, यही रिलेशन अप्लाई करोगे ना, क्यू नोट इंटू ई, ओके। अब क्यू नोट कितना है, ये तो नेगेटिव में है, −1.6×10⁻¹⁹ और फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दे रखी है 4×10⁴। ठीक है, यूनिट बाद में आप लिख सकते हैं न्यूटन, ये देखो ये कूलाम है और ये न्यूटन पर कूलाम है, तो अल्टीमेटली बनेगी न्यूटन। डायरेक्शन की भी मैं बताऊंगा डायरेक्शन कितना होगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर माइनस, तो 4 के और 1.6 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 6.4, ओके 6.4×10⁻¹⁹ कितना बचेगा इसमें, ये माइनस का 15 रह जाएगा न्यूटन। तो ये हमारे पास देखो फोर्स आ रहा है। अब बात आती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन किधर होगी।
अब देखो इधर नेगेटिव साइन, देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन आया है। अगर ये नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फील्ड की डायरेक्शन क्या अपोजिट होगी। फील्ड किधर था, ईस्ट में था, तो जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा, ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट, तो ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। तो यहाँ पर लिखोगे आप ड्यू वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में ये फोर्स इतना आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज एंड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। सिंगल चार्ज का तो देखो वैसे हम डिस्कस कर भी चुके हैं यहाँ पर कि एक सिंगल चार्ज हमने यहाँ पर लिया है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर लिया। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फोर्स निकालेंगे उस पॉइंट पर, पहले फोर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर आएंगे। अब जैसे आप यहाँ पर देखो इसी डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ओरिजिन पे मैंने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, पॉइंट पी आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट पी पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया मान लीजिए प्लस क्यू नोट। तो अगर आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालोगे तो आपने क्या करना है, पहले फोर्स निकालना है और उसको जो चार्ज है उससे डिवाइड कर देना है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए तो पहले आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, कूलम्स लॉ मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, के क्यू क्यू नोट, और सेपरेशन क्या है, पोजिशन वेक्टर आर है तो आर नोट है, तो आर नोट का स्क्वेयर, और डायरेक्शन किधर होगी, देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, लाइक चार्ज आपको पता है रिपेल करते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, उसको मैं लिखूंगा आर नोट कैप से, हमारे पास एफ आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने निकालना है ई, और ई का फॉर्मूला वो देखिए, तो जो चार्ज है जो फोर्स है उसको आपने डिवाइड कर देना है उस टेस्ट चार्ज से जहाँ पर आप फील्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहाँ पर, इस पॉइंट पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो क्या बनेगी, इसको आप क्यू नोट से डिवाइड करो तो बचेगा के क्यू बाय आर नोट स्क्वेयर आर कैप, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तो हमारा यहाँ से क्लियर हो ही गया एक पॉइंट तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज की वजह से पूछे तो आपने इस तरह से करना है, उस पॉइंट पर फोर्स निकालना है और उसको चार्ज से डिवाइड कर देना है, आपके पास सिंगल चार्ज की वजह से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। मल्टीपल चार्जेज में वही जो हमने कूलम्स लॉ में डिस्कस किया था कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, तो जैसे हमने वहाँ पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी एक तरह का वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही।